होती हैं, तो उसमें से निकलने का तरीका आता है। तो हम ये बेसिकली जो मैं काम करती हूँ वो हम किसी भी पर्सनालिटी की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ की बेस पे उनको कैपेसिटी बिल्डअप के सेशंस देते हैं। सही ये बिल्कुल ऐसे ही सही है कि जैसे आपके बॉडी में कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो आप प्रॉपर विटामिन खाएंगे तो वो डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह सही उस हम जो पर्सनालिटी में डेफिशिएंसीज हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको दूर करने के लिए, और जो स्ट्रेंथ है वो आपका जो कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आए, आपके अंदर से जो आपके स्किल्स हैं, और आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे भी काम करना चाहते हैं, उसको मजीद कॉन्फिडेंस के साथ और मजीद अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ कर सकें। तो बेसिक ये काम सही होता है पर्सनालिटी ग्रूमिंग का। मैं बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट जी हूँ और सही साइकी हेल्प के नाम से हमने रैशनल कंसल्टेंट्स की सीईओ हूँ, और 2 साल पहले हमने यंगस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म सेपरेट कर दिया था रैशनल कंसल्टेंट से, जो साइकी हेल्प राइट है। सही जी सही जी। तो यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 13 साल से 22 साल की उम्र जो है वो टीनेज कहलाती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नौजवान नस्ल जो है किसी भी मुल्क की माशी, इक्तसादी और फलाह बहबूद की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नौजवान नस्ल की तरबियत पर खास तवज्जो देते थे। अभी जो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि ये जानना चाह रही हूँ कि ये क्या ये बात सच है कि हर 10 में से 1 बच्चा अपनी नफसियाती आरजे में मुबतला है? ये किस हद तक ये बात इस बात में सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सही है। नफसियाती आर्जा जो है, हम स्ट्रेस और डिप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। हम जब आर्जे की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, या जिस वक्त तक उसके कोई विजिबल सिम्टम्स ना हो उस वक्त तक हम उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक लेकिन जो स्ट्रेस है, जो 2 से 3 दिन तक मुसलसल एक ही शख्स पे तारी रहे मूड, और फिर 3 दिन से लेके 5 दिन तक वो उसी कंडीशन में रहे, अलहदा हो जाए, अलग अलग बैठे, परेशान रहे, रोता रहे, अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उनसे दूर हटे, तो इट मीन्स कि वो डिप्रेस है, बीमार है, उसको जरूरत है साइकोलॉजिकल हेल्थ की। सही सही तो हर अच्छा 10 में से जो एक नौजवान इस आरजे का शिकार है, वो बात बाहर कंट्रीज में ज्यादा एप्लीकेबल है, पाकिस्तान में जरा कम है, क्योंकि हमारा सोशल सिस्टम थोड़ा सा जरा उनसे बेहतर है। वहां पे बच्चे जरा ज्यादा आइसोलेट होते हैं, यहाँ पे बच्चे जरा कम आइसोलेट होते हैं, ठीक है। या कह हमारा लें कि बेसिकली हमारा हमारा जो माहौल एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट है कि हम अकेले जरा बिल्कुल कम छोड़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही हम टीनेज को बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देते कि वो जो मर्जी कर ले, और वो असल में वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना। तो वहां ठीक पे जो बिल्कुल बच्चे हैं वहां पे बच्चे पेरेंट्स की जिम्मेदारी एक हद तक होते हैं, उसके बाद नहीं होते, इसलिए वो सही ज्यादा डिप्रेस और ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। सही अच्छा यहाँ मुझे ये जानना भी मैं जरूर चाहूंगी कि बचपन का जो गैर मौसम माहौल होता है, ठीक है, उस वो किस उम्र में जाके जोर पकड़ता है? मतलब 13 साल के बाद एक होता है ना बंदे के बैक ऑफ द माइंड बच्चों के चल रहा होता है माहौल, बचपन का थोड़ा स्ट्रेसफुल हो, डिप्रेस माहौल हो घर का, तो वो माहौल कितना असरअंदाज होता है आगे जाके? अच्छा, आप ना देखें, पहली बात यह है कि बच्चे की ग्रूमिंग पे, बच्चे की जी शख्सियत पे, बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, या किसी भी शख्स की मेंटल हेल्थ पे जो उसके इर्द गिर्द के हालात होते हैं वो हमेशा असर करते हैं। ठीक अगर हमने एक बच्चे को हमेशा एग्रेसिव माहौल घर पे दिखाया है, गालियां देते रहे, माँ बाप गालियां देते हैं, तो वो बच्चे अमूमन गालियां सीख जाते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज सीखते हैं, और वो फिर थोड़ा सा उसे बढ़ा के करते हैं। हर सही जनरेशन में, हर एक नस्ल में एक टेंडेंसी है कि वो पहली नस्ल से थोड़ी सी फॉरवर्ड होती है, डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट तो वो होती है, लेकिन वो थोड़ी सी फॉरवर्ड होती है। मतलब अगर सही किसी की माँ सिर्फ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती थी, तो वो जो बच्चे होंगे घर पे वो मारना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको सही एक चीज
गई है बचपन से कि आपके लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज करना बुरी बात नहीं है, हमारे घर में सब चलता है, ये सही बच्चा सीख जाता है। तो जो चीजें अपने बचपन से सीखी हैं वो यंग एज में, यंग एज मतलब जब 13 साल की, 13 12 12 और 13 साल ऐसी उम्र है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी जिसमें हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। फीमेल बिल्कुल में भी डिप्रेसिंग सिम्टम्स आती हैं, लड़कों में भी आती हैं। लड़कों में चिड़चिड़ापन, बदतमीजी करना, घर से बाहर जाना, दोस्तों में घूमना, टाइम बाहर पास करना, माँ बाप की बात ना सुनना, और ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना बाहर टाइम, और अपनी एक्टिविटीज इस तरह की कर लेना कि माँ बाप को जिन पे एतराज, हर माँ बाप सही को जिस चीज पे एतराज होता है लड़के हमेशा इस एज के बाद वो ट्राई करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके पीछे उसके रीजन सिर्फ यही होती है कि आपके जो पेरेंट्स ने आपको 13 साल सिखाया है अब वो उनके सामने आ रहा है लेकिन डिफरेंटली। उन्होंने तो नहीं सही सिखाया था बदतमीजी करना, उन्होंने तो नहीं सिखाया था कि, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दी है। आप बिल्कुल जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, वहां से आप हर चीज का, हर एक चीज का असर लेते हैं। आपके बच्चे, ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपने वो चीज ना की और आपके बच्चे करें। सही बच्चा जिद करता है, छोटे बच्चे बिल्कुल जिद करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वो रो के अपनी बात मनवा लेता है, वो चीख चिल्ला के अपनी बात मनवा लेता है। फिर कोई, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स में फेवरेटिज्म भी होती है, जी, फीमेल और बिल्कुल मेल, जी, छोटे ऐसा होता है फीमेल चाइल्ड वो और ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है, वो और ज्यादा खामोश तबाह हो जाती है, और जो मेल चाइल्ड है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम सीख खुद जिसको के हम अपने माहौल से रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने और हम माहौल से इग्नोर सीख रहे करते हैं हैं इन लेकिन चीजों को देखते हैं। ना। एग्जैक्टली, हम इग्नोर करते हैं और हमें ये ख्याल नहीं होता करते वक्त कि शायद ये किसी टाइम पे बड़ी बातें भी हो सकती हैं। पेरेंट्स का क्या रोल होगा यहाँ पे, मुझे जरा इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि पेरेंट्स को अब इसको कैसे हैंडल करना है। देखिए, पेरेंट्स का रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चा आपके पास है, आपने ही उसको स्कूल भेजना है, आपने ही उसको बाहर जाने की परमिशन देनी है, आपने ही उसको पॉकेट मनी देनी है, आपने ही उसको वो टाइम देना है, क्वालिटी टाइम देना है जिसमें वो या आपके पास होगा, या आपने ही वो लैंग्वेज यूज करनी है जिससे वो आपसे दूर होगा। सही वो लड़का है या लड़की है, पेरेंट्स अगर बच्चों के दोस्त बन जाएं, पेरेंट्स अगर बच्चों की हर बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुने और उनको बच्चों के मकाम पे रखें, सही हर प्यार देने के लिए हर शख्स का अपना एक मकाम होता है। हम अपने पेरेंट्स को इज्जत देते हैं, हम अपने बड़े बहन भाइयों को इज्जत देते हैं, हम छोटों से शफकत करते हैं। ये दो अलग-अलग वर्ड है, प्यार करना, सही इज्जत देना, शफकत देना। तो आप अपने बच्चों की जिस वक्त भी तरबियत करें तो बहुत सारी चीजों का ख्याल, सबसे पहले ये कि आप जितना अग्रेसिव होंगे आप यकीन जानिए कि आपका बच्चा उससे डबल अग्रेसिव होगा। सही इसलिए बच्चे को सिखाएं, उसको बचपन से सिखाएं कि कभी कभार गुस्सा आ जाना तो जायज है, लेकिन उसको निकालने का पॉजिटिव वे क्या हो सकता है। आप खामोश सही भी हो बजाय इसके कि आप कोई दो चार चीजें तोड़ के चुप हो। अगर बच्चा देखेगा कि मेरी माँ हमेशा दीवार में मार के कोई चीज तोड़ देती है, और अमूमन वैसे माएं ऐसे नहीं करती, बाप करते हैं, तो बच्चा जो है वो बाप को देख के वो चीज सीखेगा, उसके माइंड में है, बिल्कुल वो कभी कभी जिस वक्त उसको मौका मिलेगा। आप ये मत समझिए कि उसको मौका फौरन नहीं मिला या उसने अभी नहीं किया तो इसका मतलब उसने सीखा भी नहीं। उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें जहां पे बैठी नहीं है वहां पे ये भी बैठ गया है कि अगर बहुत शदीद गुस्सा आया तो मेरे पास एक हल ये भी है कि मैं दीवार में मार के चीजें तोड़ दूंगा। और ऐसा सही जिस वक्त जब उसको गुस्सा आएगा तो ऐसा वो गैर इरादी तौर पर करेगा। हो सकता है उसने वो थॉट उसके फौरन माइंड में नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि वो सबकॉन्शियस में थी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस था उसका, और उसको पता है कि माँ बाद में बड़े पुरसुकून हो गई थी या बाप बड़ा पुरसुकून हो गया था ये सारा कुछ तो मैं करने के भी बाद, ऐसे करूंगा तो तो मैं ठीक हो जाएगा। सही करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस एक चीज ही जाएगी ना, लेकिन मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। आप बच्चों को हेल्दी तरीके बताएं, आप बच्चों को हेल्दी ट्रेनिंग दें, उनको उनका माइंड सेट ऐसा हो कि उनको पता हो कि जो चीजें हमारे घर में हो रही हैं ये हमारे बेटरमेंट के लिए हैं या हमारे नुकसान के लिए। बहुत बेहतरीन।
जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसको मिस आयशा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो कि आजकल मेरे हिसाब से नौजवान नस्ल के लिए बहुत जरूरी है, एक हेल्दी डाइट। अच्छा जो है, मुझे अच्छा खाना आपके नफसियाती तौर पे कितना दखल अंदाज करता है, मुझे ये देखिए, बताएं खाना कितना जरूरी है। इंसान जो है वो खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हर चीज हेल्दी खाना, हमें खास मिकदार में, हर चीज हमें खास मिकदार में चाहिए। हमें आयरन चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स इवन चाहिए। हम बच्चों की एज में, बचपन की एज में, मतलब उसको 14-15 तक हम ये सारी चीजें जरूरत से ज्यादा खिला रहे होते हैं। सही। मेरे बेटे को बहुत पसंद है चीनी, मेरा बेटा मीठा, बेटे का बड़ा शौकीन है, उसके लिए रोज मीठा बनना चाहिए। सही। मेरी बेटी को फ्राइज बहुत पसंद है, तो मेरी बेटी रोज फ्राइज खाएगी, क्योंकि वो फ्राइज के अलावा तो कोई और चीज खाती ही नहीं। आप बच्चे को सिखा रहे हैं इनटॉलरेंस, आप बिल्कुल बच्चे को एक और चीज सिखा रहे हैं कि जिसमें वो अपनी पसंद से हट के कोई भी चीज पसंद नहीं करेगा। बच्चों को हेल्दी डाइट दें, हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि उनके लिए दूध भी जरूरी है, उनके लिए गोश्त भी जरूरी है, उनके लिए सब्जियां और दालें भी जरूरी है। बिल्कुल अगर उनके लिए बाहर का पिज्जा जरूरी है, तो उनके लिए घर की रोटी भी बहुत जरूरी बिल्कुल है। और फिर इन सब चीजों के साथ साथ उसको ये भी बताएं कि कितनी मिकदार में और किस तरह से खानी जरूरी है। ये नहीं है कि आप बच्चों को हर वक्त ठूस के भर के रखें और उनको एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स दें, उनको फैट्स दें। बच्चा 12-13 साल की उम्र से पहले अगर बच्चे फैट्स लेने के आदी हैं, तो फिर उसमें बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जब आपके हॉर्मोन्स सब बच्चों में तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चियों में खास तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो डिस्टर्बेंसेस सारी जिंदगी उनके साथ रहती है। सही। हेल्दी डाइट, डाइट का मतलब ये है कि खाना खाना चाहिए आपको अपनी जरूरत के मुताबिक, सही बिल्कुल, ना कि आपकी घर में पकने के मुताबिक। या आपके टेस्ट के मुताबिक कि रोज यही चीज बने। बिल्कुल, टेस्ट के मुताबिक। या आप अगर बहुत ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसको हर रोज पिज्जा खिला रहे हैं, आप हर रोज दुश्मनी कर रहे हैं बच्चे के साथ। आप बच्चे को हर बिल्कुल रोज फूड दे के उसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। सही। बहुत सारी चीजें, उसकी शख्सियत में बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, जिसमें वो सबसे पहले अपने घर के माहौल से, वो उसको बाहर निकलना मुश्किल नहीं लगता, वो घर से भागता भी है तो उसको पता है कि ठीक है, मैंने बाहर का खाना बड़े आराम से, मुझे तो शौक है, मैं तो खाता ही नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। माँ भी खुश होती है कि मेरे बेटे को, और बड़े प्राउड से बता रहे होते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चों को तो बाहर का खाना बहुत पसंद है, हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो पकाते हैं सब्जियां, लेकिन सब्जियां तो कोई खाता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपने जब पहले स्टेप पे उनको सिखाया है कि तुम अगर जिद करोगे तो तुम्हारी हर बात मानी जाएगी, तो फिर आप उसको वो खाना, चाहे वो खाने जैसी एक छोटी सी चीज ही क्यों ना हो, बच्चों को उनकी मर्जी करने दें, लेकिन बच्चों को बच्चों की सतह पे रख के बात करें उनसे। टॉलरेंस भी पैदा करें बच्चों में। बिल्कुल, बच्चों को सब्र भी सिखाएं, बच्चों को टॉलरेंस भी सिखाएं, और बच्चों को ये भी बताएं कि वेस्टेज क्या चीज है, और अगर आप बिल्कुल जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो वो हर एक चीज वेस्ट है, आपकी हेल्थ भी, आपकी फूड भी, आपका पैसा भी, और फिर आपकी पर्सनालिटी भी। बच्चे कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों को सबसे पहले एक फैक्टर आता है, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि हमारे जो घर का माहौल है वो बाहर के माहौल से मैच नहीं कर रहा। सही। हम बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, या स्कूल अच्छा ना भी हो तो भी वहां पे कोई ना कोई अच्छा बच्चा उनको ऐसा मिल जाता है कि जिसके घर का माहौल बहुत ही डिफरेंट होता है उससे, वहां पे वो बच्चा एकदम एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। फिर शिकार बच्चे पसंद नहीं करते कि बिल्कुल हमारे हमारे फ्रेंड्स हमारे घर में आए, वो हमारा घर देख के क्या सोचेंगे, हमारे तो हाँ घर में बिल्कुल हर ऐसा वक्त, हमारे घर में तो हर वक्त ऐसे ही पड़ा रहता है, सब कुछ पड़ा रहता है, हमारे घर में तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आएगी, फिर वो जाके बाकी लोगों को भी बताएगा। आप देखें कि आप बच्चे को बाहर के माहौल के साथ कंपैटिबल करें, क्योंकि
इवेंचुअली आपके बच्चे ने बाहर निकलना है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी फैमिली से उसने बाहर निकलना है, उसने बढ़ना है, आगे बढ़ना है, उसने स्कूल्स में जाना है, उसने यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, तो वहां पे ये सब चीजें बच्चे की एहसासे कमतरी का शिकार ना बने, बच्चे के अंदर उसकी जो ग्रोथ है वो मजीद पॉलिश्ड हो, वो सही, जो बाहर से सीखे वो उनको एडॉप्ट भी कर सके। तो पेरेंट्स का रोल बहुत ही कॉमन और बहुत ही अहम रोल है पेरेंट्स का, कि फर्स्ट जो है वो उनकी दरसगाह जो है बच्चों की, वो माँ की गोद और वही बाप की बात शफ़क़त। बिल्कुल ऐसे ही है कि माँ की गोद जो बिल्कुल है पहली दरसगाह है बच्चों की। बिल्कुल हाँ सही बात बिल्कुल। है। तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली कि जिनके पेरेंट्स बचपन में चले जाते हैं, फिर वो बच्चे पलते बढ़ते हैं, नानी नाना दादी चचा ताया किसी किसी के भी पास पलते बढ़ते हैं, उन बच्चों में थोड़ा सा एहसासे कमतरी का बिल्कुल शिकार, वो सेल्फ पिटी का शिकार भी होते हैं, उनको खुद पे तरस भी आ रहा होता है कि देखो हमारे साथ क्या ज्यादती हो गई, हमारी माँ होती हमारा बाप होता तो हम तो पता नहीं ये ना किस जगह होता। होते, बिल्कुल हमारे साथ ये सब कुछ ना होता। तो बिल्कुल एक उन बच्चों के साथ जब हम काउंसलिंग का सेशन करते हैं तो फिर उन बच्चों को बताया जाता है कि आप यू योर सेल्फ आर सो इम्पोर्टेंट कि आपको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। बिल्कुल ये सब बच्चों के लिए है, सब बच्चे जो पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं उनका उनका इशू भी है, और जो पेरेंट्स के साथ नहीं रहते उनका इशू भी है कि बच्चे सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, और बच्चों को लगता है कि शायद हमारे हालात मुख्तलिफ होते तो हम बहुत ही डिफरेंट चीज होते। ऐसा उस वक्त तक पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों के लिए जब बच्चे खुद से ये सोच ना रखें। जब सही बच्चा 13-14 साल का हो गया तो वो अपने लिए खुद सोचने के लिए मैच्योर है, तो अगर वो अपनी उस मैच्योरेंस को वेस्ट कर रहा है बाहर निकल के इधर उधर भाग दौड़ करके और गुस्सा करके एग्रेशन में, और वो ये सोच नहीं रहा कि मैंने आगे लाइफ में कैसे जाना है, तो इट मीन्स कि प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चे सही से एक क्वेश्चन हमेशा करते रहा करें कि आपने अपने लिए क्या सोचा, आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हो, ये सही पेरेंट्स का काम है और जो भी बच्चे के केयर टेकर्स हैं उनका काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे से पूछते रहें कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, और जो चीज आप जो आपका गोल है या जो आपका एम है आप उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए टाइम टेबल बनाएं, उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए आप स्केड्यूल्स बनाएं और अपने बच्चे के साथ मिलके चलें। आप खुद भी बच्चों सही की एज बच्चा बने, जब तक पेरेंट्स बच्चा नहीं बनेंगे तो बच्चे को समझ नहीं पाएंगे। सही 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 बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा मिस आयशा के कोविड से क्या नुकसान हुए हैं। देखिए जेई मिसाइल कोविड का मेरे ख्याल से जो कोविड के दौरान इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान जो सिचुएशन है ना मजीद खराब हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। खराब इस सेंस में हुई है कि बच्चे टोटली घर बैठने के आदी हो गए हैं। अब बच्चों के पास एक बहुत ही आराम से एक आसान बहाना है कि हमारे तो स्कूल ही बंद है, हम तो कहाँ जाएं, अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करें। अच्छा वो सही पेरेंट्स भी उनको कवर अप कर रहे होते हैं और वो भी यही कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे तो अब घर पे बैठे हैं, आप बताएं ना कि हम क्या करें। बिल्कुल देखिए बच्चों के लिए घर पे बैठने में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो जिनको हम हेल्दी एक्टिविटीज कहते हैं और जो इंसान के लिए हर मेच्योर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, और वो होती हैं हॉबीज। बच्चा सही जितना अपनी हॉबी के साथ सेटिस्फेक्शन फील करता है उतना किसी भी चीज के साथ फील नहीं करता। आप ठीक बच्चे की हॉबीज को घर पे डेवलप कर सकते हैं, आप बच्चे की जो इंटेंशंस हैं उनको डाइवर्ट कर सकते हैं कि वो बाहर ना निकले, अगर आपको लगता है कि वो उसका बाहर जाना अच्छा नहीं तो। सही हेल्दी एक्टिविटीज बच्चे को इन्वॉल्व करें, छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ पेरेंट्स, अभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी, देखिए माँ बाप बनना आसान नहीं, बिल्कुल। माँ बाप के शोल्डर्स पे बल्कि माँ बहुत बाप का रोल मेरे हिसाब से हर दौर में अहमियत रखता है, चाहे वो बचपन हो, लड़कपन हो, विद द कोई पैसेज ऑफ भी टाइम, आप शादी के बाद भी माँ बाप का रोल रहता ही है बच्चों की। इंसान दूसरे इंसान के अमाल का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों के अमाल के जिम्मेदार हैं।
ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रही है। अगर बच्चा कोई गलत काम करता है तो अल्लाह ताला माँ या माँ बाप बाप से, वालदेन से दोनों सवाल करेगा, बिल्कुल यही है। बिल्कुल बिल्कुल वो सवाल होगा कि आपके बच्चे ने ये काम किया था तो आपने उसको क्यों ना सिखाया। तो रोका क्यों? इसलिए कि आप अपनी आंखें खोलें। हम जिस वक्त में जी रहे हैं अब, हम वो इग्नोरेंस का जमाना नहीं है कि माँ बाप को पता ना चले और बच्चा इग्नोर हो जाए और माँ कहे कि जी मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, अब तो सोशल मीडिया से एक एक लम्हे लम्हे की रिपोर्ट मिल रही होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब प्लीज जो पेरेंट्स है ना वो अपनी आंखें खोल के बैठे, और पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की ग्रूमिंग और बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है अब वो पहले जैसी नहीं रही। बिल्कुल ऐसे क्या हम ही। एक ही तरह का एटीट्यूड रखें, हम स्ट्रिक्ट एटीट्यूड रखें और उसमें बच्चा हमारा शायद बिल्कुल से तीर की तरह सीधा रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रिक्ट एटीट्यूड, जरूरत से ज्यादा पैम्पर्ड एटीट्यूड, ये दोनों एटीट्यूड्स बच्चे को घर से बागी करते हैं। सही। बच्चे के अंदर वो सलाहियतें ही नहीं होती हैं। और बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो छोटे बच्चे हैं, एग्रेशन और उसके बाद सुसाइड अटैम्प, ये बिल्कुल बहुत ही ऐसे ही है। कॉमन है। ये बहुत कॉमन है। हर दूसरे तीसरे दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं 12-13 साल के बच्चे ने, 12-13 साल की बच्ची ने, 14-15 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली, अपने आप को जहर खा के खत्म कर लिया, कोई गोलियां खा के खत्म कर लिया। मतलब बच्चों के लिए आप देखें कि हम उनको वे फॉरवर्ड कैसा दे रहे हैं, हम उनको माशरे में से सिखा क्या रहे हैं, हम उनको इनटॉलरेंट बिहेवियर सिखा रहे हैं कि जिसमें उसको लगे कि अगर कोई भी चीज मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही तो बस ठीक है, छोड़ो दुनिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस आयशा, आप हमारे शो में शिरकत की। बहुत अहम मालूमात आपने हमें फराहम की हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ अर्से बाद आपको दोबारा आप हमारे शो में आने के लिए राजी हो जाएंगी। हमारा देखिए जो ये ये शो, स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे बात करनी, बच्चों के मसाइल पे, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं या पर्सनालिटी ग्रूमिंग है जो आपकी बचपन से स्टार्ट हो जाती है, और आप हमेशा ही वेल ग्रूम्ड रहते हैं और हमेशा ही वेल इक्विप्ड रहते हैं बहुत सारी स्किल्स के साथ। तो हम हमेशा जोर देते हैं कि पेरेंट्स अपना रोल, और अदा करते इसमें हैं। हम इन टॉपिक्स को जितना ज्यादा हम इस पर डिबेट करें उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए मिस आयशा। नाजरीन, ये था हमारा शो सच तो ये है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले बुध को एक नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए एशियन ट्रेड टीवी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।